अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम शहजाद फ्रॉम गैलेक्सी मोबाइल। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक नए मॉडल की, जो कि ओप्पो का पहले मॉडल चल रहा था A17। उस मॉडल के बाद नया मॉडल जो सा लॉन्च हुआ वो ओप्पो का A58 मॉडल है, जो कि काफ़ी देर के बाद ओप्पो ने जो से मॉडल ए सीरीज़ को लॉन्च किया है, जिसमें काफ़ी सारे वेरिएंट लॉन्च होंगे। तो पहला वेरिएंट हमारे पास आया वो ओप्पो का A58 मॉडल है। तो ये 8+8 रैम और 128 GB वाला वेरिएंट है। तो आज हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कलर्स की, तो कलर हमें इसमें दो तरह के कलर मिल जाते हैं, जो कि ब्लैक और दूसरा इसमें कलर जो होता है वो ग्रीन कलर है। तो जिस कलर की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो इसमें ब्लैक कलर है। तो बाकी हम इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड, अनबॉक्स करते ही जो पहली चीज़ है वो इसमें हमें केस दिया गया, इसे भी ओपन करके चेक कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमें इसमें सिम इंजेक्टर दी गई है और मैनुअल गाइडलाइन के लिए बुक दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें केस की, तो केस आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट सिलिकॉन केस दिया गया, जो कि बिल्कुल नरम सा केस है। इसके बाद हमारे पास जो सी चीज़ है वो मोबाइल डिवाइस दी गई है, तो इसे हम अनरैप कर लेते हैं। तो अनरैप करने से पहले अगर मैं आपको मेंशन कर सकूं कि इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं, कि ओप्पो A58 को मेंशन किया गया, इसमें डिस्प्ले को मेंशन किया गया, इसमें सुपर वो का 33 वाट का फास्ट अडाप्ट दिया गया जिसे मैंशन किया गया, इसके अलावा इसमें कैमरे को मैंशन किया गया, और एक जो सी चीज़ है इसमें डुअल स्पीकर को मैंशन किया गया। तो मोबाइल को कर लेते हैं जी हम अनरैप। मोबाइल के ऑन होने तक हम चेक कर लेते हैं जी इसकी एसेसरी। तो फ्रेंड, एसेसरी की बात करें तो एसेसरी में हमें इसमें अडाप्टर दिया गया, वो आप चेक कर सकते हैं कि ओप्पो में A58 में जो था अडाप्टर है वो हमें 33 वाट का फास्ट अडाप्टर दिया गया, जो कि फास्टली चार्ज करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें केबल की, तो केबल हमें इसमें टाइप सी पोर्ट के साथ में केबल दी गई है। तो मोबाइल की हम सेटिंग कर लेते हैं जी कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स, मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल की बैक लुक की। तो बैक लुक आप चेक कर सकते हैं कि इसमें बैक लुक जो सी है वो बहुत ही शाइनिंग वाली इसकी बैक लुक दी गई है, जो कि बैक इसकी प्लास्टिक की बैक दी गई है और मैट फिनिशिंग वाली इसकी बैक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल की नीचे वाली साइड पर, हमें ओप्पो की ब्रांडिंग नज़र आ जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें नीचे वाली साइड पर ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। मेन कैमरा साइड की बात करें तो मेन कैमरा जो हमें इसमें 50 MP का डुअल कैमरा दिया गया, इसके अलावा हमें LED फ्लैश लाइट दी गई है। कैमरे को प्रोमिनेंट करने के लिए एक अलग से एक डिज़ाइन दिया गया, जो कि बाकी सारी मैट की दी गई है, और बाकी सारी इसकी बैक जो है मैट फिनिशिंग वाली है, और कैमरे के जो है प्रोमिनेंट कर रही है वो ऐसा जहाँ में बिल्कुल मुलायम सा फील होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल की साइड की, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल स्लिम सा डिज़ाइन दिया गया, जो कि रीनो सीरीज से बिल्कुल मिलता जुलता है। मोबाइल की राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पर हमें साइड माउंटेड फिंगर मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई हैं। मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पे हमें हैंड फ्री जैक दिया गया, माइक दिया गया, टाइप सी की हमें चार्जिंग पोर्ट दी गई है, स्पीकर हमें इसमें डुअल दिया गया, जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पे भी और मोबाइल की ऊपर वाली साइड पे जो सा कॉल के लिए स्पीकर है वो भी हमें डुअल स्पीकर इसमें यूज़ होगा म्यूज़िक के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल की लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पर हमें सिम ट्रे दी गई है, इसे भी ओपन करके चेक कर लेते हैं जी। तो सिम ट्रे की बात करें तो सिम ट्रे में आम सिम ट्रे दी गई है, जो कि डुअल सिम डालने के लिए स्लॉट्स दी गई हैं और SD कार्ड डालने के लिए अलग से इस मॉडल में स्लॉट्स दी गई हैं। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो डिस्प्ले साइज़ हमें इसमें 6.7 इंच का फुल HD जो था डिस्प्ले दिया गया, और जो कि IPS डिस्प्ले है 90Hz रिफ्रेश रेट वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आप चेक कर सकते हैं कि इसमें अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा दिया गया, जो कि 8 MP का इसमें फ्रंट कैमरा। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो मैं आपको पिक्चर क्लिक करके मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। तो पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो मेन कैमरे में जो सी पिक्चर क्वालिटी दी गई है वो काफ़ी शाइनिंग वाली इसकी जो सी है वो पिक्चर क्वालिटी दी गई है, और काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वाली इसकी पिक्चर क्वालिटी है, जो कि बॉक्स को काफ़ी प्रोमिनेंट कर रही है, और इसकी जो सी है बैक हो उसे वो ऑटो ब्लर कर रही है। इसमें मोबाइल जब कैमरा आप ओपन करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि ओप्पो फोटो का ऑप्शन दिया गया, वीडियो का ऑप्शन दिया गया,
नाइट ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा आप मोर में जाएंगे तो इसमें टाइम लैप्स का ऑप्शन मौजूद है, प्रो का मौजूद है, पैनो का मौजूद है और स्टिकर लगा सकते हैं इसमें ऑटो। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे भी हमें पोर्ट्रेट में मिल जाता है, जो कि सेम फीचर्स आप फ्रंट कैमरे में भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरे की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही हाई की पिक्चर क्वालिटी दी गई है, जो कि आप जानते हैं कि ओप्पो का सेल्फ़ी कैमरा जो है वो शुरू से मशहूर है कि ये सेल्फ़ी कैमरे के लिहाज से काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन हमें 13 इसमें एंड्रॉयड वर्जन दिया गया। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हमें इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया। चिपसेट हमें इसमें मीडियाटेक का हीलियो G85 का इसमें चिपसेट लगाया गया। बैटरी की बात करें तो बिल्कुल स्लिम सा डिज़ाइन है, लेकिन हमें इसमें बैटरी 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि 33 वाट का इसमें साथ में अडाप्टर भी दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो मेन चीज़ है वो इसकी मॉडल की इनवॉइस है, तो इनवॉइस 8+8 रैम और 128 GB वाला जो ये वेरिएंट लॉन्च हुआ है ओप्पो का A58। इसकी इनवॉइस की बात करें तो इनवॉइस इस मॉडल की 57,000 पे इस मॉडल की इनवॉइस रखी गई है, लेकिन ये आपको मार्केट में इनवॉइस से डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा। ये लुक के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से और ये अगर हम बात करें फीचर्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा मोबाइल रखा गया, लेकिन इसकी मॉडल की इनवॉइस बनिस्बत दूसरे मॉडल से थोड़ी ज़्यादा फील हुई है, लेकिन ये मोबाइल आप वेट के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिया गया, कैमरा इसमें मॉडल में काफ़ी अच्छा दिया गया। तो ओप्पो के और भी मॉडल इसमें ए सीरीज़ में काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, जो कि 4GB रैम और 64GB में भी आ रहे हैं, 4GB और 128 वाले भी वेरिएंट आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उन मॉडल का भी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इनका रिव्यू भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ओप्पो का एक मॉडल ही लॉन्च हुआ है, जो कि ओप्पो A58 मॉडल है, 8+8 रैम और 128GB वाला ये वेरिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।